दोस्तों आप देख सकते हैं इसी जगह पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे उसे रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में दिखाते हैं आपको वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से आप मैच कर सकते हैं, वो बिल्डिंग दिखाया जाता है इधर से, वो बिल्डिंग बैकग्राउंड में दिखाई देता है आप देख सकते हैं, और वो बिल्डिंग से भी मैच कर सकते हैं, यहाँ पर वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। हाय फ्रेंड, मेरा नाम मिनाज, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों फिलहाल मैं एक और नए लोकेशन में मौजूद हूं, और यहां मैं आज आपको दिखाने वाला हूं दिव्या शक्ति मूवी की शूटिंग लोकेशन। हालांकि वो मूवी का शूटिंग लोकेशन दिखा चुका हूं, अगर आपने वो शूटिंग लोकेशन नहीं देखी तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों आज मैं फिर से वो मूवी का शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। 94 में वो मूवी रिलीज हुई थी, और रिलीज डेट के हिसाब से करीब मैं 30 साल के बाद वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। बात करें वो मूवी में मुख्य को नजर आए थे तो अजय देवगन नजर आए थे, रवीना टंडन जी नजर आए थे, और अमरीश पुरी जी नजर आए थे, और ऐसे नजर ने बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जो वो मूवी में मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तो वो मूवी का शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ करीब 30 साल के बाद, जहाँ पे वो मूवी में दिखाया जाता है, जहाँ पे रवीना टंडन जी और अजय देवगन बैठे रहते हैं, और जो दिनेश मेडियर रहते हैं वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए दिखा देते हैं रेस्टोरेंट में। तो वो सीन दिखाने वाला जहाँ पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये कमला नेहरू पार्क है, और यहाँ पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे, और वो उस टाइम वो मूवी में दिखाया जाता है रेस्टोरेंट। तो मैं वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। तो बने रहे वीडियो में, मैं आपको अच्छे से स्क्रीन शॉट के माध्यम से वो सीन दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी जगह पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे उसे रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में दिखाते हैं आपको वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से आप मैच कर सकते हैं, वो बिल्डिंग दिखाया जाता है इधर से, वो बिल्डिंग बैकग्राउंड में दिखाई देता है आप देख सकते हैं, और वो बिल्डिंग से भी मैच कर सकते हैं, यहाँ पर वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आप ये देख सकते हैं, ये इसका कलर रेड रहता है लेकिन अभी फ़िलहाल ब्लैक है, और ये 30 साल पहले जब शूटिंग हुआ था मूवी तो उस वक्त यहाँ पे इसका ये चेंजिंग देखने को मिल रहा है। आप मैच कर सकते हैं, आपको मैं स्क्रीन शॉट पर दिखा रहा हूँ, और ये लोकेशन इसी जगह पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किया गया था, इसी जगह पर वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो रहते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाते रहते हैं। और ये झाड़ दिखाई देता है, आप ये झाड़ से भी मैच कर सकते हैं, ये झाड़ अभी भी मौजूद है, ये झाड़ से मैच कर सकते हैं, और यहाँ पर वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे करीब 30 साल पहले, यहाँ पे वो मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वही लोकेशन है जहाँ पे दिव्या शक्ति मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे। और बैकग्राउंड में एक चीज़ और दिखता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ उधर से, वहाँ पे वो उधर फिरका चौपाटी दिख रहा है, वो चीज़ दिखाया जाता है, वो चीज़ मैच कर सकते हैं, ये चीज़ दिखाया जाता है, और ये कमला नेहरू पार्क है। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया दिव्या शक्ति मूवी शूटिंग लोकेशन, हालांकि वो मूवी का शूटिंग लोकेशन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अगर आपने वो शूटिंग लोकेशन नहीं देखी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मूवी का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वो शूटिंग लोकेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये लोकेशन आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो शूटिंग लोकेशन भी आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना और मुझे जरूर सपोर्ट करना। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट मूवी शूटिंग लोकेशन में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।